जय हिंद साथियों। लंबे समय से सेनावर्ती रैली और एग्जाम पर लगी रोक के चलते आक्रोशित युवाओं का गुस्सा अब एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले से होने जा रही है। देश के दूसरे सेनावर्ती कार्यालयों की तरह राजस्थान के झुंझुनू सेनावर्ती कार्यालय की सेनावर्ती भी करीब पिछले 2 साल से भी अधिक समय से नहीं कराई गई है। ऐसे में समय पर सेनावर्ती रैली और एग्जाम नहीं होने से जहां एक तरफ युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों युवा अब तक ओवर एज हो चुके हैं। सेनावर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर युवा लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है। लेकिन अब युवाओं ने भी यह ठान लिया है कि जब तक सेना भर्ती रैली और एग्जाम नहीं कराया जाता है, तब तक देश भर में बड़े स्तर पर युवाओं द्वारा सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा और इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले से 6 दिसंबर को होने जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार झुंझुनू खेल स्टेडियम में 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे से युवा एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन करते हुए सेना भर्ती रैली जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। वहीं सेना भर्ती रैली को लेकर एक लड़के ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी बात की है, जिस पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में सेना भर्ती रैली और सेना भर्ती लिखित परीक्षा का मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि इससे पहले पंजाब के 2 सांसदों ने लोकसभा में सेना भर्ती रैली और एग्जाम जल्द से जल्द शुरू कराने और सेना भर्ती रैली में 2 साल उम्र में छूट दिए जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया है। उन्होंने सदन के माध्यम से यह मांग की है कि कोरोना के कारण 2 साल से अधिक समय से सेना भर्ती रैली नहीं हो पाई है, इसलिए इन युवाओं को 2 साल उम्र में छूट दी जाए। साथियों, सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर एक बार फिर से देश में युवाओं की यह मांग तूल पकड़ने लगी है, गूंजने लगी है। हम देश के सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप सभी सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर अपने अपने जिलों में शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए सरकारों को अपनी मांगों से अवगत कराएं। आप जिम्मेदारों को बताएं कि जब देश में सभी काम किए जा रहे हैं तो फिर कोरोना के नाम पर सिर्फ सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर ही रोक क्यों लगाई हुई है। देश भर के युवा अपने अपने विधायक, सांसद, मंत्री और कलेक्टर सहित सत्ता में बैठे जिम्मेदारों को अपनी मांगों से अवगत कराएं और जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर सरकारों पर दबाव बनाएं। इसके अलावा देश भर के सभी युवा अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन को लेकर एक कार्यक्रम भी तय कर लें कि किस तारीख को किस जगह कहां पर धरना प्रदर्शन होगा और इस धरना प्रदर्शन की पूरी जानकारी आप हमें भी भेज दें ताकि हम सभी युवाओं तक यह जानकारी पहुंचा सकें और वह सभी युवा भी आपके साथ मिलकर अपनी मांगों से जिम्मेदारों को अवगत करा सकें। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेनावर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।